हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 बेस्ट फिश फॉर 1.5 फीट एक्वेरियम। देखिए फ्रेंड्स, जिनके घर में जगह थोड़ा कम है या फिर बजट थोड़ा कम है, उनके लिए 1.5 फीट एक्वेरियम परफेक्ट है। या फिर जो नए बिगिनर्स है, मतलब जो पहली बार एक्वेरियम हॉबी को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 1.5 फीट एक्वेरियम परफेक्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम शुरू करते हैं राजबोरा कैटेगरी से। तो राजबोरा कैटेगरी में दो फिशेस है जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से 1.5 फीट एक्वेरियम में रख पाएंगे। तो पहले नंबर पे है हार्ली क्वीन राजबोरा। तो हार्ली क्वीन राजबोरा को आप 1.5 फीट एक्वेरियम में बहुत ही अच्छी तरीके से रख पाएंगे। तो 1.5 फीट एक्वेरियम में हार्ली क्वीन राजबोरा को आप 8 क्वान्टिटी में रखें। दूसरे नंबर पर है चिली राजबोरा। तो चिली राजबोरा को आप 1.5 फीट के एक्वेरियम में बहुत ही अच्छी तरीके से रख पाएंगे। आप चिली राजबोरा को 10 क्वांटिटी में 1.5 फीट एक्वेरियम में रखें। अब जो फिशेस का नाम बताऊंगा वो लाइव बैरियर फिश है। पहला है मॉली फिश। मॉली फिश को आप 1.5 फीट एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में रखें, क्योंकि ये हर महीने फ्राई देता है। तो हर महीने फ्राई देगा तो 1.5 फीट एक्वेरियम पूरा भर जाएगा, इसलिए ओवर स्टॉक होने की वजह से फिश मरने लगेगा। अगर आप मॉली फिश का ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो अलग से एक टैंक का बंदोबस्त करें। 1.5 फीट एक्वेरियम में आप 2 फीमेल और 1 मेल रखिए। तो इसके बाद जो फिश है वो है शॉर्ट टेल फिश। तो शॉर्ट टेल फिश को आप 1.5 फीट एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में रखें। आप 1.5 फीट एक्वेरियम में 2 फीमेल रखिए और 1 मेल रखिए। इसके बाद जो फिश है वो है प्लैटी फिश। तो प्लैटी फिश को भी आप 1.5 फीट एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में रखें। आप 1.5 फीट एक्वेरियम में 3 फीमेल रखें और 2 मेल रखें। इसके बाद जो फिश है वो है गप्पी फिश। तो गप्पी फिश को भी आप 1.5 फीट एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में रखें, क्योंकि ये हर महीने फ्राई देता है। तो आपका 1.5 फीट एक्वेरियम पूरा भरने लगेगा, ओवर स्टॉक होने की वजह से फिश मरने लगेगा। तो आप 1.5 फीट एक्वेरियम में 3 फीमेल रखें और 1 मेल रखें। फ्रेंड्स, आप बात करेंगे टेटिया कैटेगरी में कौन कौन सी फिश आप 1.5 फीट एक्वेरियम में रख सकते हैं। तो पहला है विडो टेट्रा। विडो टेट्रा को आप बहुत ही आसानी से 1.5 फीट एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन आप 1.5 फीट एक्वेरियम में 6 क्वान्टिटी में विडो टेट्रा को रखें। इसके बाद जो फिश है वो है रेड आई टेट्रा। तो रेड आई टेट्रा को भी आप 1.5 फीट एक्वेरियम में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। आपको 6 क्वांटिटी में 1.5 फीट एक्वेरियम में रेड आई टेट्रा को रखना पड़ेगा। इसके बाद जो फिश है वो है पेंगुइन टेट्रा। तो पेंगुइन टेट्रा को भी आप 1.5 फीट एक्वेरियम में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। आपको 8 क्वांटिटी में 1.5 फीट एक्वेरियम में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो फिश है वो है कार्डिनल टेट्रा। तो कार्डिनल टेट्रा को भी आप 1.5 फीट एक्वेरियम में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, लेकिन आपको 8 क्वांटिटी में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो फिश है वो है नियॉन टेट्रा। तो नियॉन टेट्रा को भी आप 1.5 फीट एक्वेरियम में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, आपको 8 क्वांटिटी में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो फिश है वो है एम्बर टेट्रा। तो एम्बर टेट्रा को भी आप बहुत ही आसानी से 1.5 फीट एक्वेरियम में रख सकते हैं, आपको 1.5 फीट एक्वेरियम में 10 क्वांटिटी में एम्बर टेट्रा को रखना पड़ेगा। टेट्रा कैटेगरी में ये 6 फिशेस को आप बहुत ही आसानी से 1.5 फीट एक्वेरियम में रख पाएंगे। इसके बाद जो फिश है वो है जेब्रा डेनियस। तो जेब्रा डेनियस को भी आप 1.5 फीट एक्वेरियम में बहुत ही आसानी से रख पाएंगे। आपको 1.5 फीट एक्वेरियम में 10 क्वांटिटी में जेब्रा को रखना पड़ेगा। इसके बाद जो फिश है वो है बीटा फिश। तो मेल बीटा फिश को 1.5 फीट एक्वेरियम में आप 1 क्वांटिटी में रख सकते हैं, मतलब 1 बीटा फिश आप रख सकते हैं। लेकिन आप 1.5 फीट एक्वेरियम में अगर पार्टीशन देंगे तो 2 मेल बीटा फिश आप रख पाएंगे। अगर आप फीमेल बीटा फिश रखना चाहते हैं तो फीमेल बीटा फिश को आप 4 क्वांटिटी में, मतलब 4 क्वांटिटी में 1.5 फीट एक्वेरियम में रखें। यही थी कुछ 15 फिशेस जो आप 1.5 फीट एक्वेरियम में बहुत ही आसानी से रख पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो में एक लाइक दे देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।